इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। का भाई? पता ना कपिलू बार बार केहू बेल बजा रहल बा, और हम बाहर निकल के देखनी त बाहर त केहू भी नहीं खे। हम जाके देखत आनी। स्नेहा, स्नेहा पागल बड़ू का ऐसे के करेला, ऐसे आधा रात के आवेला। हाँ माइला, हम नॉर्मल तरीका से बेल बजाती और रउआ नॉर्मल तरीका से दरवाजा खोलती और हमरा से गले मिलती, तेमें कौन मजा रही। अभी भैला शानदार एंट्री कहे जीजू। सही बा पागल, कैसन बड़ू? एकदम ठीक। जीजू का डोला सोला बा, अब तो राव शादी हो गेल बा, तो फिर ई काहे खातिर? वो का है ना कि जेकर साली इतना हॉट होके ना, ओकरा खुद भी फिट रहे के चाहिए, राइट? अब तू जीजा साली के बात हो चुका हो कि ता अंदर चली। आ जा। तू अचानक कैसे आ गई लू? इन्फॉर्म तो कर दे तू। सरप्राइज दीदी, एग्जाम खत्म हो गए रहे तो सोचनी जबलपुर जाए से पहले रघुआ साथे थोड़ा टाइम स्पेंड कर ली, तो यही से इंदौर से सीधा भोपाल चलेनी। ऊ सब तो ठीक बा, पर पापा के इन्फॉर्म कर लू? सवेरे कर ले दीदी कॉल। दीदी बेबी कहाँ बा? बेबी तो दिखाई नहीं के दे। अरे पागल, चौथा महीना में थोड़े ना देखेला, एक दो महीना बाद देखी। यार ये बेबी 9 महीना में कहाँ पैदा हो खेले, पहले ना आ सकेले का? कुछ चीज अपन टाइम पर ही अच्छा लगे ला स्नेहा। अच्छा अब तू जल्दी से फ्रेश हो जा, हम तारा खातिर कुछ खाए खातिर बनावा था नहीं। अरे ना दीदी, अभी तो कुछ खाए के मन नहीं कि हमरा सूते के मन बा, हम तो सूते जाता नहीं। अरे तू ऐजा काहे सूत रहल बाड़ू, ऊपर चल के सूता ना। अब इतना सीढ़ी के चढ़ी दीदी, हम ऐजे कम्फर्टेबल बानी। ना सुधरबू, चला कोनो बात नहीं खे, हम तो हर सामान ऊपर रखवा बतानी। चला तू सो जा, गुड नाइट। गुड नाइट दीदी। गुड नाइट दीदी। लाइट ऑफ कर देना और प्लीज एसी के कूलिंग बढ़ा दी है प्लीज। जी मैडम। गुड नाइट। स्नेहा, स्नेहा अभी तक सूत रहल बिया, उठा कॉफी ठंडा हो जाए। काबल दीदी, ये कमल हमरा के ओढ़ेला सा? हम
रात के तू ठंड से कांपत रहलू। इला पोहा। माँ। तेरा पता बा, इन नाश्ता भी ना, तहार जीजू बनाई ले बानी। वाह जीजू, का बात बा। रवा नाश्ता भी बना ली हिला। वैसे जीजू, रवा इतना कमा ली हिला, तो कौनो मेट का है ना रख लेता नी? अरे जब तू सूतत रहलू ना, तब मेड आके झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ करके गई भैया, और नाश्ता और खाना तो हम और माँ जी मिल के बना लेता नी। हाँ, जब से हम प्रेग्नेंट पहल बानी तब से किचन में हमार नो एंट्री बा, कहे कि जनाब ना बीवी के सेवा में लगल बानी। स्नेहा बेटा, अब तू आ गई लू है ना, तो तू करबू ना अपन दीदी के सेवा। अरे छोट बहिन के भी कौनो फर्ज होखेला कि ना? आंटी, हमरा से कौनो उम्मीद मत रखब, हम खुद सेवा करवावे आइल बानी, तो हम काय करी घर के काम? हम नहीं कि करल कौनो घर वर के काम। देखा बेटा, तहरा के कौनो से खेल लेना कि बड़ लोगन का पैर छुअल जाला। पैर वैर छुए के जमाना गईल माँ जी, अब तो गले मिली के जमाना बा। का दीदी? स्नेहा बेटा, अगर तनी संस्कार और घर के काम अगर सीखू ना, तो शादी के बाद उहे तहार काम आई। शादी? शादी के कर रहल बा? और अगर हम कब्बो शादी भी करब ना, तो कौनो मेड रखब मेड, ऐसे हम कौनो घरवर के काम ना कर पाई, अपन पति से काम करवाई और खुदे कमाई। हाँ, दीदी। हमके रउआ से जलन होता। काहे? रउआ इतना लकी बानी, रउआ इतना अच्छा हस्बैंड मिलल बा, जे रउआ से इतना प्यार करेला, राउर इतना केयर करेले। तहार दीदी के नसीब अच्छा बा, जे कपिल जैसन लड़का ओकरा के मिलल। हमरा कपिल जैसन ना, कपिल ही चाहिए। अब कपिल तो एक ही बानी और वो हमके मिल चुकल बानी, तो तू फिलहाल ना कपिल जैसन से ही काम चला ला, और जल्दी से रेडी हो जा हमनी के मंदिर जाए के बा। मंदिर काहे? अरे उब काहे कि गर्भवती महिला के मंदिर में जाए के चाही, सत्संग में बैठे के चाही, अच्छा अच्छा बात करे के चाही। काहे कि बेटा, माँ जे देखे नी सुने नी ना, बच्चा भी वैसे ही पैदा हो खेला। हाँ तो माँ ई बाड़ी, बच्चा इनकर पेट में बा, तो हम का करब जाके, हमर का काम बा भाई? हम तो और सुतल चाहता नी, हमरा से ना हो के सब। जीजू, सॉरी सॉरी। का भाई स्नेहा? अब वॉशरूम यूज करे के रहे। बस दो मिनट, अभी हम रेडी हो के आवतानी। वैसे एगो नीचे भी वॉशरूम बा और गेस्ट रूम में भी वॉशरूम बा। ओके ओके। का भाई? पैर में मोच आ गई। हम पेन रिलीफ लगा देते नहीं। लगा था? अगर ज्यादा दर्द होके तब फोन कर दिया, हम ऑफिस से घर आ जाए। बाय। स्नेहा बेटा। हाँ? लड़की सब ऐसे ना बैठी ली। बाकी हम तो ऐसे ही बैठी ला आंटी जी। हाँ बेटा,
ई तरह के कपड़ा हमेशा ना पहनल जाला। अच्छा नहीं की लगा था? कम से कम दुपट्टा तो ओढ़ ले तू ना। दुपट्टा तो पुराना ओल्ड फैशन है आंटी जी, और हम तो मॉडर्न हैं। तू दोनों के देख के लागत तो नहीं खे कि तू दोनों बहिन बाड़ू। तू कितना संस्कारी बाड़ू, और ये तहार बहिन बड़ लोगन से कौन तरह से बात करेली। कितना फर्क बना तू दोनों में। माँ जी अब उम्र के भी तो फर्क बा। ये अभी खाली 19 साल के बिया, और हम बनी 28 के। और ई ना बचपन से इसने बिया जिद्दी झल्ली और पापा के लाडली। इन सिर्फ उनके सुनेली। तू तो माँ के परवरिश में पलल बढ़ल बाड़ू ना, यही से ऐसन बाड़ू। और ये बेचारी जब एकर जन्म भइल त माँ ही चल बसली, एकरा तो संस्कार मिलल ही ना होखी। पैर कैसन बा तुहार? पैर के का भइल? पैर में वो तनी सा मोच आ गई रहे दीदी। अरे लेकिन तू बतैलू ना अब तक। इमे बतावे के का बा? देखा अब चल रहल बानी। अच्छा एक अच्छा खबर देवे के बा, हम जो छुट्टी अप्लाई के लिए रहनी वो अप्रूव हो गई बा। अब हम पूरा समय घर में बैठ के ऑफिस के काम भी कर सकेली और साथ में तुहार ख्याल भी रख सकेली। लेकिन कपिल लेकर कहा जरूरत रहे? अभी तो डिलीवरी में बहुत टाइम बाकी बा, ऐसे ही आपकी सैलरी कट हो जाए। ठीक बा ना, आज कट होता कल ज्यादा मिल जाए। और वैसे भी सैलरी हमनी के आवे वाला बच्चा से ज्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है ना। अब तोरा कोनो काम करे के जरूरत नहीं के, सारा काम हम और माँ मिलकर कर ले हब। बाकी जीजू दीदी खातिर हमने नर्स भी तो रख सकता नी ना। अरे जब हमने घर वालों का ख्याल रख सके नी तो नर्स के का जरूरत बा? उका बा ना कि बच्चा पैदा कई खाली मम्मी के जिम्मेदारी नहीं खे बल्कि पापा के भी होखेला। तो हम ऐसा कर रहा कि मम्मी बच्चा के ख्याल रखिए और हम मम्मी के। कोनो हस्बैंड अपन वाइफ से इतना प्यार कैसे कर सकेला? अरे जीजू रहुआ अब दर्द कैसन बा? ठीक बा। सुबह तू दरवाजा के पीछे छिप के का देखत रहलू? हम तो बस हमरा देखत रहलू ना। कहे जीजू शायद रहुआ हमरा अच्छा लागे लागल बानी। राउर पर्सनालिटी, राउर बात करे के तरीका, राउर आवाज, जौन तरह से रहुआ दीदी के केयर करीला।
सब रिपोर्ट्स आ गईल बा। बच्चा और जच्चा दोनों नॉर्मल बड़े। अब और इंतजार नहीं के होत, जल्दी से 3 महीना ही बीत जाए ताकि हम फिर से प्यार कर सकी। इतना महीना से हमनी के बीच में कुछ ना भई। अब और इंतजार नहीं के होत, तू कुछ बोलत काहे नहीं खूब प्रीति? I am really sorry. प्रीति? का भाई? I am so sorry. हमरा लगल कि तू बाड़ू और हम एकरा। अरे का भाई, आपके चेहरा पे से 12 काहे बजल बा? हमरा लगल कि तू बाड़ू हम एकरा के पीछे से। का हो गेल, गलती से ही भइल ना, जानबूझ के थोड़े कइला। और अगर जानबूझ के कइले होते त ई जन्म में तक आ, अगला 7 जन्म में भी कपिल ऐसा ना कर सकेले। का करतनी जीजू? फ्रूट सलाद बनावतनी तोरे दीदी खातिर। दीदी तो बड़ा लकी बाड़ी कि रउआ उनके मिलनी। जीजू हमरा और कुछ हेल्प करी? तू? तोरा इंटरेस्ट कब से किचन में आवे लगल? किचन में हमारा इंटरेस्ट नहीं थे, हमारा इंटरेस्ट तो रउआ में बा। अगर रउआ हमरा से प्यार से कुकिंग सिखाए ना तो हम कुकिंग भी सीख ले। अच्छा जी, हाँ जी। तला हो जा शुरू। किचन में का कर रहल बाड़ू? वो हम जीजू के हेल्प करे आइल रहनी। तहार दीदी वही जा अकेले बैठ के बोर हो रहल बाड़ी, जा ओकरा साथ जाके बैठा जा। कपिल हमार माना ना तो ई लड़की से दूर ही रहा। अरे एकर चाल चलन तो हमके अच्छा नहीं खेलागा था। अरे का कपड़ा पहने ली, तरह से चिपक चिपक के बात करे ली। माही आजकल के बच्चे ऐसे नहीं हो खेले, और ये बचपना बाकर का बा ना कि जोन चीज आपके लिए नियम बा वो उनके लिए एकदम नॉर्मल बा। बचपना? अरे ओकर उम्र के रही ना तो हमार शादी भइल रहे। हसा मत, हमार बात माना, इतना खुलापन अच्छा ना हो खेला। इका करत बड़ू स्नेहा? प्यार जौन रुआ दीदी से नहीं मिलल, दीदी और आंटी मंदिर गेल बाड़ी तो हमनी दोनों एक साथ। तू ठीक तो बड़ू? हाँ तू जानत बड़ू तुहार और हमारा रिलेशन का बा? अरे तू बच्चा रलू तब से जानत बानी, और आज भी तू हमरे खातिर बच्चा ही बड़ू, समझ लू? रुआ समझत काहे नहीं की जीजू? जब से रुआ हमरा के दीदी समझ के किस कहनी तब से हम रुआ के पावल चाहत आनी। पागल हो गए बड़ू का? कैसन बात कर रहा बड़ू तू? चुपचाप निकला यहाँ से, ना तो तुहार दीदी से तुहार शिकायत कर देगा। ऐसा सोचबो मत करब जीजू, रवा मर्द हैं और राव और बेबी प्रेग्नेंट बाड़ी, और ऐसन हालत में तो मर्द से गलती हो ये जाला ना। कहीं ऐसा ना हो के कि रवा हमार दीदी से शिकायत करे चल गई नी और राव रे बैंड बज गई लोके। कैसन अजीब सा बात कर रहा बड़ू तू? हाँ तो ठीक तो बाड़ू? अजीब तो रहुआ बना दिलवानी जीजू, रहुआ बीमारी दिलवानी, अब रहुए ठीक करा। बस
जौन कुछ भी भइल ऊ बात के दिमाग से निकाल दा। हम ई बात केहू से न कहब, लेकिन हाँ अगला बार ई ख्याल अपने दिमाग में बिल्कुल मत लइहा, समझ लू। निकला यहां से अब। आई सेड गो। बहू जी। माँ जी, हमरा तारा से कुछ बात करे के बा। हाँ बोली ना। स्नेहा बड़ हो रहल बाड़ी, तू काहे नौकरा के उठे बैठे के कपड़ा पहने का सलीका सिखावत बाड़ू। लेकिन माँ जी सब ठीक ही तबा, तब फिर ओकरा सिखाएगी का बा। हाँ सब ठीक बा, मगर वो जो कपड़ा पहने ली वो ना पहने के बराबर हो खेला और हर समय वो कपिल से चिपकत रहेली। अरे ओ तो माँ जी जीजा साली के मजाक बा। मजाक बहू, हर एक रिश्ता के एगो दायरा हो खेला। हम समझे तानी माँ जी, लेकिन स्नेहा में अभी बहुत बचपना बा और कपिल बहुत समझदार बानी। हम जानत आनी कि वो अच्छा से समझतानी कि कैसे डील करे के बा। देखा बहू, कपिल भले ही हमार बेटा बा, बाकी मर्द बहुत दिन तक अपना आप के बचा न सकेला। ये दोनों रिश्ता तहार आपन बा, एकरा के तहरा ही संभाले के बा। सॉरी, कल जे भी भइल पता ना हम कैसे भाग गई नी। आई एम सॉरी। कॉफी एंड थैंक्स जीजू, रवा दीदी के कुछ ना बतैनी ना तो हम शर्म के मारे पता ना का कर लेती, खुद के फेस ना कर पाईती। हमरा तो ई बात के डर बा कि उनके पता चल जाए तू हमरा के यहाँ से भेज देती और हम यहाँ से गए नहीं की चाहत। जीजू हम रहुआ बिना कैसे जी पाईती। कहाँ मिले लो रालू ई कॉफी में। प्यार मिले ले बानी। ड्रग्स मिले लुआ तू ए में। अब धीरे धीरे ये ड्रग्स के नशा ऐसन चढ़ी कि रवा खुद के हमार होके से रोक ना पाई। धीरे ई नशा रोवा के और सुस्त कर दी ही और फिर रोवा के कुछ ना पता चले कि हमने का कही नहीं। और जब तक दीदी और आंटी जगराता से वापस आई हैं तब तक रोवा हमार हो चुका लोग। अब प्रीति हमार बात समझे की कोशिश करा, जौन कुछ भी तू देख लू वो ठीक देख लू, लेकिन इन्हें हमार गलती नहीं के। स्नेहा काफी समय से हमार पीछे पड़ल बिया और वो पहले भी ऐसन कोशिश कर चुकल बिया। अच्छा तो पहले आप हमके कुछ कहे ना बताइनी। प्रीति हम कैसे बताती, वो तुम्हार बहन बिया और हम ना चाहत रहनी की तू दोनों के बीच में कोनो प्रॉब्लम हो जाए। सही बात बा कबीर, आप ना चाहत रहनी की हमनी के बीच में कोनो प्रॉब्लम हो गए। ऐसे जैसे ही आप ओकरा अकेला पहने ओकर फायदा उठावे पहुँच गई नी। प्रीति वो हमार कॉफी में ड्रग्स ले ले रहल। बस कपिल बस, और कितना झूठ बोला बाप। और वैसे भी
स्नेहा के पास ड्रग्स कहाँ से आई? आप तो नशा में इतना धूत रहनी की ओकरा ऊपर छी, हमरा तक कहत हुए भी शरम आ रहल बा। प्रीति हमार बात तो सुना एक बार प्लीज। बस कपिल चल स्नेहा। शायद हमारी कपड़ा की वजह से और क्लोज बिहेवियर के कारण जीजू हमरा पे अटैक कइले। आंटी भी हमरा के ब्लेम कर रहल बाड़ी, हम कुछ नहीं की कइले। रुआ याद बा जोन दिन हम राहुल साड़ी पहनले रही वक्त भी जीजू हमरा पे अटैक कइले रहलन। जीजू ई का कर रहल बानी? हम स्नेहा हई जानत बानी, एही खातिर त आइल बानी। बाकी जो ई सब गलत ह, जीजा और साली के बीच सब चलेला, और ऐसे भी इतना महीना से हमरे और प्रीति के बीच कुछ ना भइल। ओकरा बाद जीजू हमरा साथे जबरदस्ती करे लगले। हम बहुत कोशिश कनी छोड़ावे के, और फिर रउआ आ गनी। हम रउआ के कई बार बतावे के कोशिश कनी, लेकिन रउआ बोलने की तोर जीजू ऐसा करिए नहीं कर सकत। वो हमार विश्वास कबो ना तोड़िए। तो हम का करती दीदी, हमरा और विश्वास कैसे तोड़ सकत रहनी? चुप हो जाए स्नेहा, गलती चाहे जेकर भी होके गलती तो बा ही ना। अब बस देखे कि ई बा कि ऐसा दोबारा ना होके। देखा बेटा, गलती भले ही औरत के होखेला, मगर मर्द कई हमेशा गलत मानल जाला। हम तहरा का कितना बार समझेने रहनी, मगर तू ना मनला। अब देखला ना, बचपना बचपना में ई लड़की कितना कुछ कर देली। आप ही बताई माँ, हम का करी? हमरा तो कुछ समझ में नहीं खियावत। अब तू कुछ भी मत करिया, जे कुछ करे के बा हम ही करब। कल जे गलती भइल बा ना, वो गलत तब तक होकत रही जब तक ई लड़की घर से ना जाई। हम काले होकर पापा के फोन करके हिजा बुलावत बानी, और उनका के कहब कि वो एकरा के हिजा से ले जाए। रउआ हमरा के यहाँ से भेजी, ओकरा से पहले हम ऐसन कर दे कि हमरा के यहाँ से जा ही ना पड़े। आप देखा तनी कि हमरा के ई घर से के निकाल सकता। दीदी ध्यान से ना चल सकत रहलू, अब देख ले लू ना नतीजा। दीदी हम नींद में रहनी और अलमारी के पास थोड़ा पानी फैलल रहे तो फिसल गई नी। रवा चिंता मत करी, आगे से हम ध्यान रखब। हम अपना रूम में बानी, कौनो भी चीज की जरूरत होगी तो कॉल कर लिया। ठीक है ओके। वाह का तरकीब निकलने बारू तू, ये घर से ना जाए खातिर अपना आपकी चोट लगा के घर में ही बैठ गई लू। और ये पट्टी ये कब तक रही? जोन दिन ठीक हुई ना, तहरा एजा एक पल खातिर भी ना रखब। हमरा के ना तो केहू यहाँ से निकाल सकता, और ना ही कपिल के हमार होके से रोक सकता। का कहलू तू? हमरा से जुबान लड़ेबू? अरे एक सेकेंड भी ना लागी हमके तहरा ई घर से धक्का मार के निकाले खातिर, समझ लो। हाथ तो लगा के दिखाई, फिर हमहू बताओ तनी हम का चीज है। आंटी जी हमरा डर ना लागेला, और कपिल के अपन बनावे खातिर कुछ भी कर सकीला, कुछ भी। तहर दिमाग तो ठिकाना पे बा। हमार तो बा, बाकी शायद रउआ लोग के नहीं के। अगर कपिल और हमार बीच में आवे की कोशिश भी कई नहीं तो सुसाइड करके रउआ के फंसा दे। प्र
प्रीति एक बार, सिर्फ एक बार हमरा के अपना आप के प्रूफ करे के मौका दे, सिर्फ एक बार। रहुआ हमार छोट बहन के साथ ही सब कुछ ना कही नहीं, कुछ कुछ ना कही नहीं। हम प्रीति, हम कैसे यकीन दिलाई? हम अपन आँख से देख ले बानी कपिल, सब हम अपन आँख से देख ले बानी, ओकरा बाद अब कौन सच बाकी रह गई बा। प्रीति जोन तू अपन आँख से देख लो हा, वो गलत भी हो सकेला, वो तुहार बहन भी है। हम जानत बानी की तू ओकरा पर ज्यादा यकीन कर। ना कपिल, वो हमार बहन भी है एक खातिर ना, बल्कि हम एगो औरत बानी एक खातिर, और हम जानत बानी कि कौनो भी औरत कबो भी ऐसे अपन इज्जत पे कीचड़ ना उछाल सकेली। ठीक बा, हम मान लेता नहीं कि हम गलत बानी। प्रीति प्लीज प्लीज तो रोल बंद करा, बच्चे खातिर सही नहीं खे, ओकर सेहत खातिर अच्छा ना रही। प्रीति प्रीति, बच्चा ता बाद में भी आ जाई, मगर तू दुनू के जोन नुकसान भइल बा ओकरा बारे में सोचा। अरे तू दुनू तो यहाँ लड़ रहल बाड़ा, और ऊ बा जो ओइजा चैन के नी सुत रहल बिया। सच बहू, हमके ता तहरा पे तरस आ रहल बा। का तू सचमुच भूली भाड़ू या बेवकूफ? तहार बहिन तहार पीठ पीछे इतना कुछ कर रहल बाड़ी, और तहरा ओकरा बारे में कुछ पता ना, अभियो तू ओकरे पक्ष ले रहल बाड़ू। मा, मा प्लीज, आप प्रीति के कुछ भी मत कही। ऐसन हालत नौकरा से कुछ भी कहल ठीक नहीं मा। के सही बा के गलत बा वो वक्त के साथ पता चली। आप चली मां, प्लीज चली। फिर आ गई लो, तो हर दिमाग खराब हो गिल बका। जा जा यहाँ से। रउआ बेकार के परेशानी कहे बड़ा वतनी, रउआ बेकार में कहे इतना परेशान हो रहल बानी। रउआ दीदी से इतना प्यार करीला, उनका खातिर इतना ऑनेस्ट बानी, लेकिन का फायदा, तकिया लेके अलग सुतल बानी। बीबी तो रउआ के प्यार नहीं दे रहल, और जौन प्यार देहल चाहतिया ओकर प्यार ले ली। स्नेहा, तो हर दिमाग खराब हो गिल बा, जा यहाँ से। प्रॉब्लम तो रउआ बढ़ा रहल बानी जीजू, रउआ समझ का नहीं की रहल कि हम रउआ से कितना प्यार करीला। देखी रउआ दीदी के साथे रही, लेकिन प्यार हमरा से करत रही। रउआ दीदी से माफी मांग ली और नकली आंसू बहा दी, जिसे हम आंसू बहनी हैं दीदी रउआ के माफ करती हैं। शर्म ना इल्तहरा के, अपन बहन के पति के साथ ऐसन करे में, अपन बहन के झूठ बोल में शर्म ना इल्तहरा के? हाँ नहीं खे शर्म हमरा, प्यार करीला हम कपिल से, और प्यार में कुछ गलत ना हो खेला। स्नेहा ओकरा प्यार ना हवस कहे ले। दीदी रउआ का जाने प्यार और हवस में का अंतर हो खेला। राउर मांग में इस सिंदूर बा, राउर शादी तो राउर प्यार, और हमार शादी ना तो हमार हवस। स्नेहा पागल हो गए बाड़ू, पागल हो गए बाड़ी, कुछ भी बोले ताड़ी, जे मुँह में आवेला बोलते वेलू। अरे कम से कम रिश्ता एकदम लिहाज कर ले तू, जे मुँह में आवेला बोले जालू। बस बस आपन हालत की चिंता करा प्लीज, ऐसा हालत में गुस्सा ना करे के चाहिए। कैसे करी कपिल, जेकर आपन सगा भाई हमार घर तोड़े पे तुरल भी वो खुद के कैसे संभाली? प्रीति प्लीज। बहू कपिल साठ कह रहल बा, अरे ई लड़की से हमनी और का उम्मीद कर सका तानी, और केहू दोसर की वजह से हमने लड़ाई काहे करी? और ई मुसीबत एक का इलाज था हमरा पास का। हेलो समधी जी, ऐसन लड़की से के शादी करी बहन जी, और कर भी लेलस बहन जी, तो अचानक केहू के
घर बर्बाद कर दी। ई सब हमार परवरिश के ही नतीजा। बहन जी हो सके तो हमरा के माफ कर दी। कपिल और हमरा के केहू अलग नहीं कर सकत, और जी ऐसन करी ओकर शरीर से हम ओकर जान निकाल देब, चाहे वो हमार अपन दीदी ही कहना हो के। स्नेहा चलो, टाइम हो गई, चलो। चली दीदी, सॉरी दीदी, हमारे सर में बहुत दर्द हो रहा बा, कह रहो हमारा खातिर एगो कॉफी बना दे। तू रह दा, हम बनावत नहीं। कपिल ना, हम तोरा के खोल नहीं चाहत, अगर तोरा कुछ हो गेल तो हम अपना आपके कभी माफ ना कर पाई। नाना जीजू, हमरा कॉफी नहीं के पिए के लगाता, एकरा तहरा से कॉफी नहीं के पिए के, हम ही बना देता नहीं। दीदी खातिर प्लान कैले रही, लेकिन शायद ई मौत राउर नसीब में लिखल बा आंटी जी। माँ, पेशेंट अभी नॉर्मल बाड़ी, रघुआ लोग जाके मिल सके नहीं। बेटा हमरा तो लगा था ई सब स्नेहा कैले बिया। स्नेहा? हाँ, अचानक से कॉफी मांगल, सीढ़ी पर पहले से तेल गिरल होखल, ये सब वो जानबूझ के कैले बिया। स्नेहा ये सब काहे करी? अरे वो तो पागल बिया, कुछो कर दी। वो हमरा से कहले रहे कि कपिल के और ओकर बीच में जे के हुआ ही ओकरा के वो मार डाली। बेटा तू लोग ओकर पुलिस में कंप्लेन कर दा। प्रीति का भइल तोरा? डॉक्टर, नर्स। एक महीना बाद प्रीति की डिलीवरी बा, और उनका अभी रेस्ट के जरूरत बा। हमरा के लागत बा कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस ले ले बाड़ी, प्रीति के कहीं घर पे रखे आराम करी। जी डॉक्टर। जाने लू ना कि हम बचपन से बहुत जिद्दी हैं, हम जोन जी के चाहिला ना उकरा खातिर हम कोनो भी हद तक जा सकीला। जब तक रउआ जिंदा बानी ना, तब तक हमारा रिश्ता के मौत बा। बाय। खातिर बाहर जा, हमके पापा से कुछ जरूरी बात करे के बा। सब सब कही ना कि रवा के हमरा बारे में बात करे के बा। स्नेहा प्लीज। पापा ये सब जे कुछ भी भय बा, ओकरा बाद स्नेहा के रुके के एगो और बहाना मिल जाए, पर रवा प्लीज ओकरा लेके जाइया। हाँ, वो कितना भी जिद करे, कौनो भी बहाना बनावे, पर प्लीज रवा ओकर बात मत सुनिया। लेकिन बेटी तारा ही कंडीशन में छोड़ के कैसे जा सके लिए हम? पापा प्रीति के ख्याल रखे खातिर हम मानी, अगर ज्यादा जरूरत पड़ी तो हम नर्स के बुला ले हब, पर स्नेहा के गैल ही ठीक रही। पता ना अपन जिद पूरा करे खातिर अब और का ना करी, वैसे भी ये सब उहे तक कैले बिया,
ओ हेलो, हम कुछ नहीं की कहले, ये बस एगो एक्सीडेंट रहे। अगर रोवा लोग के फिर भी लगा था ना कि हम दोषी बानी, तो हम कल सवेरे घर से निकल जाए। खुश पापा, हम भी हॉस्पिटल खातिर निकला था नहीं, माँ हुआ अकेले बाड़ी। करा के हमरा से एक बार जान का बच गई, तू तो अपना आप के बहुत स्मार्ट समझ रहल बाड़े। जब तक तू जिंदा बाड़े ना, तब तक कपिल हमार हो ये नहीं के सकत। अब देखा तनी तू कैसे बचत अड़े, तोरा तो मर ही के होखी। लिखवा के आयल बड़ू दीदी, इतना कोशिश के बाद बच गईलू। लेकिन अब ना, ये दवा खाते ही तू सीधे ऊपर चल जाएबू और कपिल हमार हो जाए। प्रीति, प्रीति बेटी उठा, दवाई लेवे के टाइम हो गए। ई दिन वाला दवा कौन बा? उही में होगी पापा। नहीं के बेटी, एक बार तनी कपिल से पूछ ला बेटी। हाँ हम करा तनी। हाँ प्रीति, बोला, सब ठीक तो बा ना? हाँ सब ठीक बा। दवाई में कौनो चेंज बा का? वो पर्ची से मिलना रहल बा ना? प्रिस्क्रिप्शन तो चेंज नहीं के भाई, उहे दवाई बा। अच्छा, शायद हमकी कोनो कन्फ्यूजन भइल होगी। ठीक बा, हम ले लेता नी। आप कब तक आ जाए? रुका रुका, तू कोनो दवाई ना लिया, हम माँ के लेके जल्दी घर आवता नी, हम देख के दवाई दे। ठीक बा, जल्दी आ जाए। हम आवता नी जल्दी। स्नेहा, तू ऐजा का कर रहल बाड़ू? जा जल्दी से जाके तैयार हो जा, तारा थोड़ा देर में जाए के बा। प्रीति, सबसे ज्यादा जरूरी बा। पागल हो गेल बड़ू का स्नेहा, आगे मत बढ़े केहू ना, तो हम एकरा के मार देब। तू पागल हो गेल बड़ू का? पागल तू लोग हो गई बड़ा, जेकरा के हमर प्यार दिखाई नहीं दे रहल। तोहार दिमाग खराब हो गेल बा। हमेशा से हम तोरा के मारे के कोशिश करत रहनी, बाकी तू हमेशा से हमरा से बचत रहलू। अब तो तोके मरे के होखी, आज तो तू ना बचबू। अब जाके पुलिस के फोन करी। हां हां, संभालिया एकरा के। Ah!
जिद और जुनून में आके स्नेहा कई गो गलती कर ली। वो अपने ही हाथे अपन बहन के हत्या कर दे ली। कपिल अपन पत्नी के साथे साथे अपन बच्चा के भी खो देलस। जो ना प्यार के बावे खातिर स्नेहा इतना सब कुछ कर ली, वो प्यार उकरा ना मिले और ताहूर उकरा से उकर बहन के प्यार भी छिन गए। आज स्नेहा जेल में भी आ कहे कि वो अपन सारा गुनाह कबूल कर ले बाड़ी। दर्शक लोग, स्नेहा के ही कहानी हमनी के बहुत सारा सुझाव देवेली के इंसान कबो कबो सब कुछ पावे के जुनून में आपन बहुत कुछ खो देवेला। स्नेहा के साथे भी है भैल। यही के साथे हम अमित पचौरी आज के एपिसोड में विदा लेत बनी रहो लोग से। फिर मुलाकात होगी एगो सच्चा और रोमांचित कहानी के साथे। तब तक याद रखब, क्राइम से अगर बचे के बा ता अलर्ट रहे के होगी। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।